अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड चिकन रोल। तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लजीज होते हैं। इनको हम पार्टी में, छोटे से घर में फंक्शन हो, अब रोज़े चल रहे हैं और हम किसी भी अच्छे या घर में आराम से कभी भी हम इसको बना सकते हैं और इसमें क्रिस्प बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए हम इसे बनाते हैं। हमने चढ़ा दी है अपनी कढ़ाई और उसमें डाल दिया है हमने ऑयल। हम ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमने अपनी प्याज काट ली है एकदम बारीक, जो अंडों में डलती है। तो ये देखिए, अब हम इसे डाल देंगे अपने तेल में और इसको कलर चेंज होने तक हम इसे चलाएंगे, जब तक ये गुलाबी ना हो जाए। हमें ज़्यादा लाल नहीं करनी प्याज को, सिर्फ इसको हल्का सा गुलाबी करना है, थोड़ा सा रंग चेंज हो जाए। ये देखिए, इसका रंग चेंज होने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी कटी हुई हरी मिर्चें, जो हमने एकदम बारीक हरी मिर्ची काट ली थी। इसको भी हम डाल के अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए, ये इन्होंने भी अपना रंग चेंज कर लिया है, ये शामिल हो गई हैं अच्छे से प्याज के साथ। और अब हम डाल देंगे ये चिकन। हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसे बॉईल ले लिया था और फिर इसको ऐसे तोड़ लिया था, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। ये आराम से हो गया था। इसे 5-10 मिनट के लिए उबाल लेंगे हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ एक गिलास पानी डालकर। और ये कम से कम हमारा 250 ग्राम से 300 ग्राम तक चिकन है। इसको भी हम इसमें अच्छे से डाल के शामिल कर लेंगे। ये देखिए, और ये भी अपना रंग बदल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से डाल लेंगे इसको हम। और इसमें से एक सौंधी सी खुशबू आने लगेगी चिकन डालने के बाद। और अब हम डाल देंगे इसमें अपनी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, इसको भी हम डाल देंगे सारी। ये देखिए, हमने एक बड़ी शिमला मिर्च ले ली थी, इसके भी हमने छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए थे, बारीक करके काट ली थी। हमने भी इस मिक्सचर के साथ इसे शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे और इसका भी थोड़ा सा हम अच्छे से अपने मसाले के साथ भून लेंगे। और ये हमने ले ली थी 2 बड़े साइज़ के आलू, हमने इसको अच्छे से उबाल लिया था। इसको छील के हमने इसको अच्छे से मैश करके रख लिया था। इसको भी हम इस मसाले में शामिल कर लेंगे, देखिए अच्छी तरह से, ताकि हमारे सारी वेजेस अच्छे से शामिल हो जाए, ताकि हमारे रोल अच्छे से बन जाए और हमारे रोल फटे नहीं बीच में से। अगर हम अपनी सब्जियों को अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो हमारे रोल फटने लगेंगे, इसलिए इस तरह से हमें अपने सारे सब्जियां मिला लेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे, ये है मिक्स हर्ब्स, अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे और इसे चला लेंगे। मिक्स हर्ब्स है ये, ये देखिए इस तरह से हमारे सारे मसाले शामिल होंगे। और अब हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स स्वाद के अनुसार, जितना जिसको तीखा खाना हो। और ये डाल देंगे अपना स्वाद के अनुसार नमक। तो अब हम इन सभी हमने मसाले अपने शामिल कर लिए हैं, मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स और स्वाद के अनुसार नमक। और हम इसको अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। और अब हम इसे अच्छे से ठंडे होने के लिए रख देंगे। ये हो गया हमारा मिक्सचर तैयार, ये देखिए। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम ले लेंगे एक बाउल और उसमें हम ले लेंगे ये इस साइज़ की 6 से 8 ब्रेड। हमने 8 ब्रेड ले ली हैं स्लाइस किए, ये देखिए, ये हमने 8 ब्रेड ले ली हैं। अब हम इसको बीच में से तोड़ के अब इसमें हम डाल देंगे एक आधा गिलास दूध, बॉयल दूध हो या कच्चा हो, हम दूध डाल देंगे, लेकिन डालना है हमें ठंडा दूध। तो ये देखिए, ताकि अब इसे हम थोड़ी देर के रख देंगे, 5 मिनट के लिए बस। तो ये सारा ये दूध ब्रेड सोख कर लेगी, बस 5 मिनट के रखना है इसे हमें। ये देखिए, इस तरह से हमारी ब्रेड डूब गई, सारा दूध ब्रेड ने सोख कर लिया है। ये देखिए इस तरह से, अब हम इसे तोड़ लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, इसका एक मिक्सचर सा तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, अब हम इसमें डालेंगे अपनी, ये हमने ले ली है मोज़रेला चीज़, आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं, चेडर चीज़ या कोई सी भी। हमने एक कटोरी भर के चीज़ ले ली है, और आपको चीज़ नहीं लेनी तो आप नहीं ले सकते, लेकिन चिकन रोल में चीज़ डाल के एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया, ये देखिए अच्छे से हमने इसे धो लिया था और काट के डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना वो मिक्सचर जो हमने तैयार कर लिया था, ये ठंडा हो गया है, और अब हम इसमें इसे भी शामिल कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसमें डाल देंगे अरारोट, हमने 2 चम्मच अरारोट ले लिया था, ताकि हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो जाए और अच्छे से इसके वो बने बॉल्स।
और ये ले लिया है हमने काली मिर्च कुटी हुई फ्रेश। ये हमारा बॉल छोटा है तो हम इसे बड़े बॉल में करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने बड़े बॉल में ले लिया था, इसे मिक्स कर लिया था इस तरह से। तो अब हम बनाते हैं इसके रोल्स। तो अब हम इसे रखेंगे साइड में और हम ले लेंगे एक बाउल जिसमें हमने दो अंडे फैट लिए हैं और ये ले लिए हमने ब्रेड क्रम्स। हम मिक्सचर में ब्रेड्स को पीस लेंगे तो उससे बन जाएंगे हमारे ब्रेड क्रम्स। घर में बनाए हैं हमने अपने ब्रेड क्रम्स। तो अब हमने हाथ में लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल और ये ले लिया है अपना मिक्सचर। ये देखिए इस तरह से हमें कोई सी भी शेप इसको दे देंगे। ये हमने सिलेंडर्स बना लिए हैं, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कोई सी भी आप शेप दे सकते हैं इसको। हमने ये सिलेंडर वाली शेप दे दी है इनको, ये देखिए। अब बहुत ही आसानी से बन रहे हैं, ये बहुत ही इजी तरीका है इन्हें बनाने का। अब हम इसे अंडे में डिप कर देंगे, ये देखिए इसे निकाल के। फिर अब हम इसे हमें ब्रेड क्रम्स में डिप करना है और अपने गीले हाथ ना लगाएं, हम इसे चम्मच से इस तरह से इसे शामिल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें अपना रोल हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से हमारे ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं हमारे रोल पे और इसमें क्रंच बहुत ही अच्छा आता है ब्रेड क्रम से। ये देखिए क्या रोल हमारे। इसी तरह से हम और भी अपने रोल्स तैयार कर लेंगे, ब्रेड चिकन रोल। ये देखिए हमने अपने ब्रेड चिकन रोल और भी तैयार कर लिए हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही आसानी से बनते हैं ये। तो आइए अब हम इसको फ्राई करते हैं अपने ब्रेड चिकन रोल को। तो हमने चढ़ा दी है अपनी कढ़ाई और अपना तेल गरम हमारा हो चुका है। ये देखिए तेल हो गया हमारा गरम, ये हो गया हमारे ब्रेड चिकन रोल। अब हम इसको डाल देंगे। हमने थोड़ी देर के लिए इसे फ्रीज में भी रख दिया था और आप चाहें तो रखो या नहीं, और हम इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारे चिकन रोल अब तले जा रहे हैं। हम डाल देंगे अपने, ये हमने डाल दिए हैं चार चिकन रोल अच्छे से, ताकि ये अच्छे से बन जाए, टूटे नहीं। इस तरह से हम थोड़ा सा इसे बस हल्का सा इस पर तेल डाल देंगे ताकि, ये देखिए हल्का हल्का सा पलटेंगे ताकि ये टूटे नहीं। इस तरह से हम अपने ब्रेड चिकन रोल तैयार कर लेंगे। इसको अलट पलट कर लेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए हमारे ब्रेड चिकन रोल हो रहे हैं तैयार। इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है, ब्राउन कलर इन पे आने लगा है। ये देखिए इस तरह से इसको हम उलट पलट कर लेंगे। ये देखिए हमने और भी ब्रेड रोल्स डाल दिए हैं इसमें। ये देखिए क्या कलर आया हमारे ब्रेड चिकन रोल का। ये देखिए तो हमारे चिकन रोल तैयार है। हम इसको निकाल लेंगे छन्नी में ताकि जो सारा ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए, हमारे ब्रेड चिकन रोल में ऑयल ना रहे। इस तरह से हमारे और भी तैयार हो रहे हैं ब्रेड चिकन रोल। ये देखिए तैयार है हमारे ब्रेड चिकन रोल। ये बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में, आप भी इसे अपने घर में बनाइए, बहुत ही अच्छे बनते हैं ये, बहुत ही अच्छा इनका क्रिस्प होता है। तो आइए अब अपनी प्लेट हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारे तैयार हैं ब्रेड चिकन रोल। मैं आपको इनका क्रिस्प दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्रिस्प होता है इसका, ये देखिए। और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए इसमें चीज़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हुई है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन सभी मसालों का। ये देखिए किस तरह से चीज़ मेल्ट हुई है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।